हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ अंकित। सो आज के इस वीडियो में बनाने जा रहे हम युविका चौधरी एंड प्रिंस नारोल का स्केच। सो लेट्स स्टार्ट। एंड गाइस, मुझे एक बात बोलनी है, आपको अगर आप बिगनर हो और आपको सीखनी है कि अपन ड्राइंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं या कुछ भी बेसिक टिप्स, सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे वीडियो में बता दीजिए। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना एंड तक, आई एम श्योर ये आप लोगों को पसंद आएगा। एंड आपका कोई भी ओपिनियन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर देना। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको फेस की पहले स्किन टोन बनानी पड़ती है, एंड उसके बाद अपन शेड कर सकते हैं फेस पे बैक टू बैक। और मैं मोस्टली मैकेनिक पेंसिल यूज़ करता हूँ बिकॉज उससे काफ़ी अच्छी शाइनिंग आती है एंड शेड आती है। सो आपको भी अगर पसंद है मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करना तो ये बहुत ही अच्छा है, उससे आपकी स्केचिंग में बहुत ज़्यादा शाइन आएगी एंड फिनिशिंग में बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो आप इससे अपनी स्केचिंग इम्प्रूव कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है मैकेनिकल पेंसिल में यूज़ करने में, बट शाइन जो आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी टिप है कि आपको सबसे पहले टेक्सचर देना पड़ता है, चाहे वो क्लॉथ का टेक्सचर देना हो या स्किन का टेक्सचर देना हो।
उसके बाद अपन शेड करेंगे, बिकॉज इससे टोन्स बहुत ही अच्छी आती है। आप डायरेक्टली शेड करोगे तो वो इतना अच्छा नहीं आएगा, वो मैसअप हो जाएगा थोड़ा सा। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप जब भी ड्राइंग बनाओगे हमेशा कोई भी ह्यूमन का या कोई भी चीज़ का आप पहले चीज़ का टेक्सचर दो, पहले बेस बनाओ, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो शेड्स के अंदर। सो आप शेड्स के लिए स्टम्प पेपर यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास स्टम्प पेपर्स नहीं है तो आप कॉटन यूज़ कर सकते हो या ईयरबड, और वो भी नहीं है तो आप अपने हैंड को यूज़ कर सकते हो आराम आराम से, ताकि बहुत ही लाइट और डार्क एरिया में थोड़ा सा प्रेशर देके शेड कर सकते हो, उससे काफ़ी अच्छा लुक आता है। सो गाइस, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, होप करता हूँ गाइस ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। So, bye-bye, take care.